अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो हमने अपने पिजन जो हैं वो किसी को दे दिए हैं, तो जिनको दिए हैं वो काफ़ी दूर रहते थे, तो जिसकी वजह से ये अंडे वगैरह ट्रैवल नहीं कर सकते थे साथ, और पिजन ने नई जगह पर जाकर अंडों पर बैठना भी नहीं था। तो अब हम इन अंडों के साथ ये करेंगे कि हमारे फुमरों के एक पेयर ने एग्स ले किए हैं दो, तो हम उनके नीचे रख देंगे। तो रखने के बाद ये होगा कि जब बच्चे निकलेंगे तो 10 दिन बाद हम बच्चों को उठा देंगे अंडों से, तो हैंड फीड पे उठा लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं फुमरों का पेयर पड़ा हुआ है यहाँ पे, मेल बैठा हुआ है अंडों पे, फीमेल पिक पर बैठी हुई है, तो अच्छे से इंक्यूबेट कर रहा है। उसके अंडों को भी काफ़ी टाइम हो गया, तो देखते हैं कि कबूतर के अंडे पहले हैच होते हैं या फुमरों के पहले हैच होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर आगे की सिचुएशन देखेंगे, वो आप तक शेयर करेंगे। चलें मैं आपको दिखाता हूँ रखते हुए। बहुत ही केयरफुली रखने पड़ेंगे इसके आगे, बिल्कुल रख देंगे ताकि ये खुद ही नीचे कर लें अपने, ऐसे आपने फोर्सफुली उसके नीचे नहीं रखना बर्ड्स के, उठा के कभी भी बर्ड को सिर्फ दे देने एग्स ताकि वो एक्सेप्ट कर ले। अभी कुछ देर में ये एक्सेप्ट कर लेगा एग्स को, जैसे ही हम पीछे होंगे जब इसकी नज़र पड़ेगी एग्स पे तो ये अपने नीचे कर लेगा एग्स, और होपफुली इंशाल्लाह इनको अच्छे से इंक्यूबेट करेगा, और इनमें से इंशाल्लाह चिक्स वगैरह भी निकलेंगे। तो जैसे जब भी चिक्स निकलेंगे इनके तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुमरों ने जब एग्स किए थे तो वो आपसे शेयर नहीं कर सके क्योंकि इन्होंने नीचे वाली जगह पर एग्स दिए थे, तो हमने इनको ऊपर वाले सेटअप पर शिफ्ट कर दिए ताकि इनकी अच्छी केयर हो सके बाकी सारे बर्ड्स के साथ। तो होपफुली क्या रिजल्ट निकलता है वो आपसे शेयर करेंगे। ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो वगैरह चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी ओके, अल्लाह हाफिज़।